सो हेलो गाइस, मैं हूं सहेज सैनी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक बॉय सैनी में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, अगर आप लोग एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं और उसके जो एप्लीकेशन है वो बार बार क्रैश हो रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो एप्लीकेशन है वो बार बार सडनली क्रैश हो रहे हैं, और आप उन्हें ट्राई कर रहे हो ओपन करने का, लेकिन फिर भी वो ओपन नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपका जो मोबाइल फोन है वो आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। क्योंकि कभी आप सोच रहे हो कि आपका मोबाइल फोन खराब हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गाइस, ये एक एंड्रॉइड का बग है, और आप अकेले नहीं हो जो इसको फेस कर रहे हो, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और इसको फिक्स करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, वहां पे सर्च करना है एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू, और जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल है एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू की, उस पर टैप कीजिए, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक अनइंस्टॉल का और दूसरा अपडेट का। तो यहां से आपको इस एप्लीकेशन को जो है अनइंस्टॉल कर देना है, और अनइंस्टॉल करने के बाद जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और गाइस, बहुत से जो स्मार्टफोन है उनमें अगर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में ओपन करके देखोगे, तो वहां पे आपको ना ही तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा और ना ही अपडेट का। सो ये जो ऑप्शन है आपके पास जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं तो गाइस, ये जो एंड्रॉइड का बग है, जब तक ये फिक्स नहीं किया जाता तब तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बग है जल्दी से फिक्स किया जाए। और गाइस, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि बहुत से लोग यही पूछ रहे थे कि उनके फोन में जो है ये एप्लीकेशन क्रैश हो रही है बार बार, तो शायद उनका फोन खराब हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फोन बिल्कुल ठीक है, बस ये जो बग है इसे फिक्स होना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक से चलने लग जाएंगी। वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स है जिनको सेम यही प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाए। और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक टाइम से पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।